फाइनली यहाँ पे आप लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म और सैमसंग ने रिलीज कर दिया है सैमसंग M11 डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 11 बेस्ड वन ये 3.1 की स्टेबल अपडेट। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे M11 यूजर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है, बिकॉज यार यहाँ पे आप लोगों को M11 डिवाइस के अंदर लेटेस्ट वन ये 3.1 की अपडेट देखने के लिए मिल जाती है। बट आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये अपडेट कौन सी कंट्री में रिलीज की गई है, इंडिया में हमें कब तक देखने के लिए मिलने वाली है, साथ ही साथ हमें इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया देखने के लिए मिल जाएगी। आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा यार, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी टारगेट सेट नहीं करता हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से कर देना इस वीडियो को लाइक। और चैनल पे पहली बार विजिट की हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने रिलीज कर दिया सैमसंग M11 डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 11 प्लस वन या 3.1 की स्टेबल अपडेट। बेसिकली ये अपडेट हमें आउट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहाँ पे ये अपडेट वियतनाम के लिए रिलीज की गई है। अगर हम बात करें वन ये 3.1 के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को वन ये 3.1 की सभी न्यू फीचर आप लोगों को M11 के डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे M सीरीज डिवाइस के लिए कोड वर्जन देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को वन या 3.1 की कोड वर्जन देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहाँ पे वन या 3.1 के कोड वर्जन में जितने भी फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, सभी फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे M11 डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। बट गाइस यहाँ पे अंडर 10,000 डिवाइस के अंदर आप लोगों को लेटेस्ट UI की अपडेट देखने के लिए मिल जाती है, काफी अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे M11 के अंदर आप लोगों को वन या 3.1 देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सैमसंग का एक लेटेस्ट UI है। गाइस यहाँ पे M11 यूजर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि यार हमें इंडिया में ये अपडेट कब देखने के लिए मिलेगी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये अपडेट जो है वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया रिलीज हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई भी अपडेट जब आउट ऑफ इंडिया रिलीज की जाती है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा वेट 10 डेज का, एंड यहाँ पे 10 डेज के बाद या फिर से 10 डेज के अंदर फाइनली आप लोगों को एंड्रॉइड 11 प्लस वन या 3.1 की अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ। साथ ही साथ यहां पे वन या 3.1 कोर वर्जन के सभी न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखते हैं यार यहां पे इंडिया में अपडेट कब तक आती है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को करना पड़ेगा यहां पे 10 डेज का वेट और फाइनली आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही यहां पे इंडिया में अपडेट रिलीज की जाती है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा यार। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिक नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।